अन्यायिक एनर्जी के बारे में सुना होगा। आज बात करते हैं ये अन्यायिक एनर्जी को जानते हैं कि ये है क्या और इसको कैसे बैलेंस किया जाता है और इसको बैलेंस करने से हमारी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट्स आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द कॉस्मिक रिवर, दिस इज जैस्मिन। यिंग एंड यांग एनर्जी नेचर की ड्यूअलिटी को दर्शाते हैं, यानी कि मेल फीमेल, दुख सुख, दिन रात, गर्म ठंडा, ऊपर नीचे, जो कि हमारी प्रकृति में देखे ही जाते हैं। यिंग और यांग ब्लैक एंड व्हाइट कलर का एक सिंबल है, जिसमें व्हाइट में ब्लैक कलर का डॉट और ब्लैक में व्हाइट कलर का डॉट है, यानी कि सुख में दुख और दुख में सुख को रिप्रेजेंट करते हैं। यिन और यांग को ऐसे माना जाता है कि ये मेल और फीमेल एनर्जी है, जैसे मेल फीमेल के बगैर अधूरा है और फीमेल जो है वो मेल के बगैर अधूरी है। यिन एनर्जी हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है, अच्छा कि यांग एनर्जी हमारे बॉडी के अपर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये एनर्जी बैलेंस होती है, यानी प्रकृति को हम बैलेंस कर लेते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत सारा बैलेंस आ जाता है। देखते हैं इनका हमारी लाइफ पे किस तरह से असर होता है। सबसे पहले हमारी लाइफ में आती है कर्मास, सेकंड नंबर पे है डेस्टिनी। कर्मास की वजह से हम अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, कर्मास जैसे होते हैं उस तरीके से ही आगे आने वाली डेस्टिनी को लिखा जाता है। तीसरा है हमारी एनर्जी जो है वह है वास्तु। चौथा है हमारे सोशलिज्म एंड फिफ्थ इज एजुकेशन। सबसे ऊपर जो हमारे कर्मास हैं, जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, हमारे लास्ट बर्थ कर्मास होते हैं, जिनके बारे में अब हम सब कुछ भूल चुके हैं, उसी के बिहाफ पे हमारी डेस्टिनी लिखी जाती है। सो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में थर्ड नंबर की जो चीज है वो है वास्तु। वास्तु को बैलेंस करने के लिए हम यिन एंड यांग एनर्जी को थोड़ा अच्छे से अगर समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी चीजें डेस्टिनी पे हैं, बहुत सारी चीजें प्रीरिटन होती हैं, और उनको भी बैलेंस करने के लिए अगर हम अपना जो थर्ड पॉइंट है वास्तु का, उसको बैलेंस कर लेते हैं यिन एंड यांग एनर्जीज को समझ के, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को हम बैलेंस कर सकते हैं। सो यिन एंड यांग एनर्जीज का दोनों ही का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाती है, या ज्यादा होती है या कम होती है, तो हमारी लाइफ का बैलेंस हिल जाता है। लोग कहते हैं जगह से क्या होगा, आखिर जगह की एनर्जी ऐसा क्या करेगी। हम पांच तत्वों से बने हैं, वैसे ही प्रकृति भी पांच तत्वों से बनी है। ये यूनिवर्स की हर एक चीज तत्व से बनी है, और इन तत्वों को यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस करती है। जबकि यिन एनर्जी जो है वो चंद्रमा को और यांग एनर्जी सूर्य की रोशनी को दर्शाती है। जैसे हर रात के बाद सुबह और हर सुबह के बाद रात होनी जरूरी ही, वैसे ही यिन और यांग एनर्जी का बैलेंस होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और इस सब बैलेंस को जानने के लिए हम अपनी अगली वीडियोस में जानेंगे यिन एंड यांग एनर्जीज को हम अपने घर में किस जोन को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं, और किस जोन को ठीक करके हम अपनी लाइफ में किस तरह का चेंज ला सकते हैं। सो भूलिएगा मत मेरी अगली वीडियोस देखने के लिए, जिसमें हम फेंग शुई के ऑब्जेक्ट्स को, प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे आपके सामने, और उनका यूज आपको बताएंगे, और बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके खुद ही अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।